हेलो प्यारे बच्चों। तो यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की काफी सारे बच्चों की क्वारीज आती है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। आज अपन बात करें यार यूजी वाले बच्चों के लिए। तो हालांकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट रिलीज कर दी गई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से, जिसका लो लास्ट डेट है वो है 13 अक्टूबर फीस पेमेंट करने का। अब बहुत सारे बच्चों को एक इश्यू फेस करना पड़ रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को। तो यार जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो ये सीयूईटी का जो पोर्टल है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे फीस कैसे भरना है वो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो ना, तो जिन भी बच्चों का जनरली सिलेक्शन हो जाता है उनको क्या शो होता है, यहाँ पे एक्शन के अंदर दो ही ऑप्शन शो होते हैं आपको। एक इधर की साइड जो है फर्स्ट साइड शो करता है पे फीस, ओके, सबमिट फीस, पे फीस, ठीक है, सीट फीस जो भी हो, एंड इधर विदड्रॉ एप्लीकेशन का रहता है। तो आपको पे सीट पे फीस पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आपकी डेट निकल जाती है बाद में जो पे फीस है वो तो हट जाता है, वहां पे लिखा आ जाता है विदड्रॉ एप्लीकेशन। यानी कि आपको जो इस ब्रांच से, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये कोई ब्रांच मिला, यहाँ पे पहले दिन 13 तारीख तक तो यहाँ पे ये रहेगा कि पे फीस और विदड्रॉ एप्लीकेशन। आपका जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा देन आपको जो इस ब्रांच से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आने वाले राउंड में जो है आपको वो दूसरे बच्चों को वो सीट दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। इसके बाद यार काफी सारे जस्ट अगर अपन बात करें तो पिछले जो फर्स्ट राउंड जो था उसके अंदर ओनली फॉर 1% सीटें भी नहीं भरी थी यूजी की। हालांकि आप अगर वेकेंट सीट मैट्रिक्स पे पास जाके देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है सारी की सारी जो ब्रांचेज है वो खाली पड़ी है। ओके, आप किसी भी जस्ट लाइक कैटेगरी में जाके देख लो, ठीक है, चाहे ए बी सी जो भी, सी ए सिविल प्रोडक्शन, ओके, कंप्यूटर साइंस, जो भी एमएससी एंड अदर एंड अदर एंड अदर, तो जितने भी सीटें थी ऑलमोस्ट सारी की सारी खाली पड़ी है। देखो ये यहाँ पे देखो यार सी एस सी ब्रांच के अंदर जनरल कैटेगरी की 21 सीटें खाली पड़ी है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 13 सीटें खाली पड़ी है। 21 और 13 कितने हो गए, तो आई थिंक हो गए 34, ठीक है, 40, 40 और 3 43, 43 और 4 47 सीटें जो है खाली पड़ी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर सीएससी डिपार्टमेंट के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थे तो वो थे 3200 कुछ। इसके बाद जो इन लोगों जहाँ पे जो अप्लाई करने वाले थे वो जिन बच्चों के 99% थे उन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया था। तो हालांकि यार काफी सारी सीटें वेकेंट रही थी फर्स्ट राउंड के अंदर जो कि कट ऑफ भी 90 के ऊपर ऊपर ही था। हालांकि सेकेंड राउंड की अगर अपन बात करें तो जो है 30 अक्टूबर यानी कि आज इसका एप्लीकेशन फीस पेमेंट का लास्ट डेट है, लेकिन आज भी सेकेंड राउंड में भी ऑलमोस्ट यही होगा बिकॉज अभी भी ये जो कट ऑफ है वो काफी ऊपर रहेगा और जिन बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स है वो बखूबी यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते। उनका जो टारगेट है BHU, AMU, जामिया, DU, दिल्ली, राइट। So, वो बच्चे क्या करते हैं, उनको उन्होंने पहले अप्लाई तो कर दिया खुशी खुशी में, अब इनका अलॉटमेंट आ गया तो उन लोगों ने फीस यहाँ पे जमा की नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों कर भी देते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिए, बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि भैया ठीक है हम दो ऑप्शन रख लेंगे और जैसे ही हमारा टाइम खत्म होगा हम यहाँ पे सीट विड्रॉ कर देंगे। तो यार काफी सारे बच्चे सीटें बुक करके रखते हैं दो दो तीन तीन कॉलेजों में, लास्ट में जो अगर DU वगैरह में अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो उधर की ओर निकल जाते हैं और इधर रिफंड ले लेते हैं, राइट। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग द सीट प्रोसेस। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यार बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक मार्क्स की वजह से भी काफी सारे स्टूडेंट देख सकते हो एक डिजायर ब्रांच डिजायर कॉलेज को नहीं ले पाते हैं, तो ये काफी गलत होता है वैसे, लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो ये कर सकते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी, हम क्या ही बोले इसमें। तो यार जिन भी बच्चों के काफी लो मार्क्स है तो हम उनको जो है टिल स्पोर्ट राउंड तक काफी अच्छी ब्रांच अलॉट करा देते हैं, स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। तो यार वो जो है नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ मैं। साथ में आपको जो है CUET गाइडेंस प्लान भी चल रहा है तो आप लोग जो है उसमें भी एनरोल कर सकते हो। ऑलमोस्ट लास्ट राउंड तक हमारी टीम आपको एडमिशन करा देती है किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, एंड जो है हमारा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर काउंसलिंग करते हैं। ओनली फॉर 1499 रुपये में आपकी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग कर दी जाती है। तो जरूर से जाके इनरोल कर सकते हो एडमिशन प्लान के अंदर। ओके यार अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सारा सीन है। तो यार जस्ट ये तो देख सकते हो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का लास्ट डेट है ऑलमोस्ट। ओके, अब इसके बाद अगर अपन देखें यूजी वाले बच्चों के लिए तो ये यहाँ पे दिया गया, देखो यार शेड्यूल है, ठीक है, कुछ शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो यार ये लोगों ने बोला है कि आपकी जो क्लासें हैं वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी कल से क्लासों के बारे में लोगों ने अपडेट दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा भैया? तो यार अभी जिस प्रकार से ये प्रोसेस चल रहा है, अभी स्पोर्ट राउंड के तो कुछ कह नहीं सकते, ये लोग जो है थर्ड राउंड रिलीज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड भी रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज डिपेंड ऑन द सीट्स एंड स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हो आपको इसके रिगार्डिंग जो भी ब्रांच अलॉट हुई है उस डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हो क्लास एंड अदर के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो है बहुत सारे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट का कांटेक्ट नंबर है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। जैसा कि आपका अगर वीवो, बीटेक, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सीएससी डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे यार रीचेबल नंबर है। ठीक है, ये जिनके जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं वो तो चल रहे हैं, और लैंडलाइन नंबर का कुछ अपन कह नहीं सकते, मोबाइल नंबर पे तो काफी बार हम कंसल्ट करते हैं तो ये मोबाइल नंबर तो चलते रहते हैं, आप इनको तो रात में कभी भी कॉल कर सकते हो, ये तो पढ़ाने वाले टीचर है ऑलमोस्ट, जो भी आपके एचओडी वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, तो आप उनसे जो भी है अपनी क्वारी सोल्व कर सकते हो रिगार्डिंग द क्लासेस एंड अदर। इन लोगों को कट ऑफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, तो आप उनसे ये कॉल ना लगाए कि मेरे इतने मार्क्स से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग ये लोग कोई अपडेट नहीं देते, इसके रिगार्डिंग आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो गाइस। तो जस्ट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, काफी लो मार्क्स तक एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट यू कैन एनरोल नाउ सीयूटी गाइडेंस प्लान, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ, एक मेरा न्यू चैनल है जिसको जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां पे मैं आपका डायरेक्ट एडमिशन कराऊंगा। साथ में आजकल मैं भगवान को भी मेल डाल देता हूँ कि जित भी बच्चा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेगा, मैं उसको भगवान उसको डायरेक्टली एडमिशन दिलाएगा अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीएससी डिपार्टमेंट, बीटेक एंड एमएससी एंड अदर अदर कोर्सेज में। तो सारे के सारे बच्चे जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, दिस इज ए न्यू चैनल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।